Hello students of class 5th. Today we will discuss unit 5. It is a concept video. We will discuss some of the concept of multiples and factors in this video. Look at the following products. 6 multiplied by 1 is equal to 6. 6 multiplied by 2 is equal to 12. 6 multiplied by 3 is equal to 18. 6 multiplied by 4 is equal to 24. 6 multiplied by 5 is equal to 30. So 6, 12, 18, 24 and 30 are 5 multiples of 6. Each of them is divisible by 6. So students, multiples वो होते हैं जो किसी नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल हो जाते हैं. जैसे यहाँ पर 6 के क्या दे रखे हैं, ये मल्टीपल्स. तो ये सभी जितने भी नंबर्स हैं ये सब 6 से क्या होंगे, डिविजिबल. ग्रुपिंग द फैक्टर्स गिव्स 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 15 इज इक्वल टू 30. 3 मल्टीप्लाइड बाई 10 इज इक्वल टू 30. 5 multiplied by 6 is equal to 30. Now look at 2 multiplied by 3 multiplied by 5 is equal to 30. So 30 is a multiple of 2, 3, 5, 6, 10 and 15. Okay, 30 is divisible by each one of them. यहाँ पर क्या है students, 30 के कितने मल्टीपल्स होंगे, 2, 3, 5, 6, 10 एंड 15. और 30 जो है वो सभी से क्या होगा, पूरी तरीके से डिविजिबल होगा. ए मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज इक्वल टू नंबर मल्टीप्लाइड बाई काउंटिंग नंबर. यहाँ पर एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स. जैसे मुझे 5 का मल्टीपल निकालना है, तो यहाँ पर 5 का जो मल्टीपल होगा उसमें क्या लिखेंगे इक्वल टू के बाद, द नंबर. नंबर क्या है, 5, एंड मल्टीप्लाइड बाय काउंटिंग नंबर. तो काउंटिंग नंबर इज इक्वल टू 1. काउंटिंग नंबर इज 1. सो 5 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 5. सो फर्स्ट मल्टीपल ऑफ 5 इज इक्वल टू 5. तो ये आपका क्या है, फॉर्मूला जिनसे आप मल्टीपल्स निकाल सकते हैं किसी भी नंबर के. मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज डिविजिबल बाई ए नंबर. जो मल्टीपल होगा स्टूडेंट्स वो नंबर से पूरी तरीके से डिविजिबल होगा. नाउ वी विल डिस्कस प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीपल्स. 8 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 8. सो 8 इज़ द मल्टीपल ऑफ 8. यहाँ पर स्टूडेंट्स जो 8 होगा वो 8 का ही क्या है, मल्टीपल है. एंड 8 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1. 8 जो है वो 1 का भी क्या है, मल्टीपल है. सिमिलरली 17 मल्टीप्लाइड बाय 1 इज इक्वल टू 17. तो 17 क्या है, यहाँ पर 17 का मल्टीपल है. और 17 क्या है, वो 1 का भी क्या है, मल्टीपल है. ए नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ. एक कोई भी नंबर वो अपने आप का क्या होता है, एक मल्टीपल होता है. जैसे 8 का मल्टीपल क्या है, 8 है. ऑल नंबर्स आर मल्टीपल ऑफ 1. सभी नंबर्स जो हैं वो 1 के क्या हैं, मल्टीपल हैं. तो 17 भी क्या है, 1 का मल्टीपल. 8 यहाँ पर क्या है, 1 का मल्टीपल. तो ये क्या थी स्टूडेंट्स, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मल्टीपल्स. अब स्टूडेंट्स आप हम समझेंगे कॉमन मल्टीपल्स. द फर्स्ट 12 मल्टीपल्स ऑफ 3. तो 3 के जो फर्स्ट 12 मल्टीपल्स हैं वो क्या होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36. और फर्स्ट 10 मल्टीपल क्या होंगे, 4 के,
4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 and 40. तो यहाँ पर हमने पहले मल्टीपल्स निकाल के लिख लिए 3 के और 4 के. अब हम क्या देखेंगे, इनमें कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे. तो यहाँ पर 12 क्या है, वो 3 का मल्टीपल है, और यहाँ पर 12 क्या है, वो 4 का भी मल्टीपल है. तो 12 क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल. सिमिलरली 24 क्या है, वो 12 का मल्टीपल है, और ऐसे ही जो 24 है वो 4 का भी मल्टीपल है. तो ये क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल. ऐसे ही 36 क्या है, वो 3 का क्या है, मल्टीपल. ऐसे ही जो 36 है वो 4 का भी क्या है, मल्टीपल है. तो कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या हो गए 3 और 4 के, 12, 24 and 36. दे आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4. 3 and 4 के क्या हो गए, ये कॉमन मल्टीपल्स. अदर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 and 4 आर 48 and 60. और अगर हम इनसे अलग कॉमन मल्टीपल्स निकालें 3 और 4 के, तो वो क्या होंगे, 48 and 60. नाउ यहाँ पर एक क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, राइट फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4 and 6. तो मल्टीपल ऑफ 2 क्या होगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24. 3 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. 4 के क्या क्या मल्टीपल्स होंगे, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. 6 के क्या क्या मल्टीपल होंगे, 6, 12, 18, 24, 30, 36. तो हम इन सभी के क्या निकाल लेंगे, सबसे पहले मल्टीपल्स निकाल लेंगे. ओके, 2 के, 3 के, 4 के और 6 के. फिर हम इसमें इनमें क्या देखेंगे, कॉमन मल्टीपल्स. तो 2 के मल्टीपल्स में 12, 3 के मल्टीपल्स में 12, 4 के मल्टीपल्स में 12 और 6 के मल्टीपल्स में 12. ये 12 क्या हो गया, कॉमन मल्टीपल हो गया 2, 3, 4 and 6 का. ऐसे ही 24, तो 24 2 का भी मल्टीपल है, 3 का भी मल्टीपल है, 4 का भी मल्टीपल है और 6 का भी मल्टीपल है. तो इस तरीके से 24 भी क्या हो गया, 2, 3, 4 and 6 का कॉमन मल्टीपल हो गया. तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 2, 3, 4 and 6. तो हमें इसमें स्टूडेंट्स फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स कैलकुलेट करने हैं. तो फर्स्ट टू कॉमन मल्टीपल्स क्या क्या होंगे, 12 and 24. अब हम डिस्कस करेंगे इवन एंड ऑड नंबर्स. इवन नंबर्स, व्हाट आर इवन नंबर्स, अ क्वेश्चन अराइजेस हेयर स्टूडेंट्स. इवन नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स दैट आर मल्टीपल्स ऑफ 2 आर इवन नंबर्स. जो कि 2 के क्या होते हैं, मल्टीपल्स होते हैं, वो सभी क्या हैं, इवन नंबर्स. दे लीव नो रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 2. इनका जब इनको डिवाइड किया जाता है स्टूडेंट्स, तो रिमाइंडर कैसा आता है इनका, 0. जब इनको 2 से क्या करते हैं, इन नंबर्स को हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो उनका रिमाइंडर क्या आता है, 0. जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 4 इज़ देयर. तो 4 क्या हो गया स्टूडेंट्स, 4 इज़ एन इवन नंबर. तो अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है वाई, कि ये क्यों है. तो 4 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 वन ज़ा 2, 2 टू ज़ा 4, तो यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ गया, 0, और कोशेंट क्या आ गया, 2. तो यानी कि ये 2 से पूरी तरीके से डिविजिबल है, रिमाइंडर भी 0 आ रहा है. तो 4 क्या हो गया, इवन नंबर हो गया. तो ये इवन नंबर की क्या है, एक प्रॉपर्टी है.
ऐसे ही एग्जांपल अगर ले लें तो 0, 2, 4, 6 एंड 8 ये क्या हैं, सब इवन डिजिट्स हैं। इवन नंबर्स हैव इवन डिजिट्स एट वंस प्लेस। तो वंस प्लेस जब हम देखते हैं स्टूडेंट्स किसी भी नंबर का तो वो क्या होना चाहिए, इवन। ओके, इवन डिजिट होनी चाहिए। अगर वहाँ पर इवन डिजिट है तो वो नंबर क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे एग्जांपल में 42 और 154 ये दोनों क्या हैं, इवन नंबर है, क्योंकि इनके वंस प्लेस पे क्या है, इवन डिजिट है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑड नंबर्स। नंबर्स दैट आर नॉट इवन आर ऑड नंबर्स। जो इवन नहीं होते वो क्या होते हैं, ऑड नंबर्स होते हैं। दे आर नॉट मल्टीपल्स ऑफ टू। तो इवन नंबर्स तो मल्टीपल्स ऑफ टू होते हैं, लेकिन जो ऑड नंबर्स होते हैं वो मल्टीपल्स ऑफ टू नहीं होते हैं। ऑड डिजिट्स आर 0, 1, 3, 5, 7 एंड 9। तो ये क्या है, ऑड डिजिट्स। ऑड नंबर्स हैव ऑड डिजिट्स एट वंस प्लेस। अब ये जो नंबर दिए गए हैं, जैसे 11 है, 53 है, 375 है, तो इनके अंदर हम जो वंस प्लेस है उसमें जो डिजिट है उसको चेक करेंगे। अगर वो ऑड डिजिट है तो नंबर कैसा होगा, ऑड नंबर होगा। जैसे 11 है तो 11 में जो वंस प्लेस पे कौन क्या डिजिट है, ऑड डिजिट है ना, तो वो क्या है, 1। तो 11 क्या हो गया, ऑड नंबर। ऐसे ही 53 में, तो 53 में वंस प्लेस पे क्या है, 3 है। तो यहाँ पर वंस प्लेस पे अगर 3 है तो 53 कैसा नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, क्योंकि 3 क्या है, ऑड डिजिट है। ऐसे ही 375 में ऑड डिजिट वंस प्लेस पे क्या है, 5। तो 375 क्या हो गया, ऑड नंबर हो गया। सो वी विल चेक वंस प्लेस ऑफ द नंबर। इफ वंस प्लेस इज एन ऑड डिजिट देन इट इज़ अ ऑड नंबर, इफ इट इज़ एन इवन डिजिट देन इट इज़ एन इवन नंबर। नोट, ऑल नंबर्स आर आइदर इवन और ऑड। सभी नंबर्स या तो इवन होते हैं या फिर ऑड होते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो ये सब था मल्टीपल्स और इवन नंबर्स और ऑड नंबर्स के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे फैक्टर्स क्या होते हैं। इन अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर नंबर्स ईच नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ द प्रोडक्ट। अगर हम प्रोडक्ट निकालें दो या दो से ज़्यादा नंबरों का, तो जो हर एक नंबर होता है वो क्या होता है, फैक्टर होता है उस प्रोडक्ट में। जैसे 7 × 9 = 63। तो 63 क्या है, 63 के जो फैक्टर्स हैं वो क्या हैं, 7 है और 9 है। तो 7 एंड 9 आर फैक्टर्स ऑफ 63। ऐसे ही 4 × 3 × 2 = 24। तो 24 के क्या क्या फैक्टर्स आ गए, 4, 3 एंड 2। 4, 3 एंड 2 आर द फैक्टर्स ऑफ 24। The factors of a number divide the number fully. अब जो factors होते हैं students, वो किसी कोई भी number हो, यदि वो किस, जैसे suppose करिए 63 है, तो 63 का factor क्या है, 7। तो यहाँ पर जो 7 होगा, 7 क्या है, factor of a number। तो factor of a number divide the number fully। तो ये 7 63 को पूरी तरीके से डिवाइड करेगा विदाउट लीविंग अ रिमाइंडर। फुली का क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कि रिमाइंडर जो है वो रिमाइंडर ज़ीरो आना चाहिए। ओके, अगर रिमाइंडर ज़ीरो आता है तो आप ये समझ जाएं कि वो नंबर उस दूसरे नंबर का क्या है, फैक्टर है। जैसे एग्जांपल लेकर के मैं आपको बताऊंगा, 7 multiplied by 5 = 35। तो यहाँ पर 7 एंड 5
ये क्या हो गए, 35 के फैक्टर्स हो गए। तो ये जो 7 है ये 35 को क्या करेगा, पूरी तरीके से डिवाइड कर देगा। यानी जब आप 7 से 35 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि 7 इज़ अ फैक्टर ऑफ 35। सिमिलरली 5 से जब आप 35 को डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। तो आप कह सकते हैं कि जो 5 है वो क्या है, फैक्टर है 35 का। 35 इज़ अ मल्टीपल ऑफ 7 एंड 5। 35 क्या है यहाँ पर स्टूडेंट, 7 और 5 दोनों का क्या है, मल्टीपल है। और 35 जो है वो पूरी तरीके से क्या है, डिविजिबल है 7 और 5 से। तो स्टूडेंट्स आपको फैक्टर्स, आई होप सो आपको फैक्टर्स समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू देयर। नोट फर्स्ट, अ नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इट्सेल्फ। यदि कोई भी नंबर है वो अपने आप का क्या है, फैक्टर है। 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर, जो 1 है वो सभी नंबरों का क्या है, फैक्टर है। जैसे स्टूडेंट्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ फैक्टर्स के बारे में। तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 8, तो 1 एंड 8 ये क्या है, 8 के फैक्टर्स हैं। यहाँ पर 19 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 19, तो 1 एंड 19 क्या है, 19 के फैक्टर्स हैं। 320 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 320, तो 1 और 320 क्या है, 320 के फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जो 1 है वो तीनों में आ रहा है, तो 1 क्या हो गया, 1 इज़ द फैक्टर ऑफ 18, 19 एंड 320। और नोट में मैंने आपको बताया था कि जो 1 है वो सभी नंबरों का क्या है, फैक्टर होता है। अब इसमें एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स, इज़ 12 अ फैक्टर ऑफ 248 एंड 4272। कि जो 12 है क्या वो 248 और 4272 का क्या फैक्टर है। तो फैक्टर के लिए स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 12 248 को पूरी तरीके से क्या कर दे, डिवाइड कर दे और रिमाइंडर क्या आ जाए, 0, तो 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 248। तो यहाँ पर जब हमने 248 को 12 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया, 8। ओके, तो यहाँ पर डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर आ गया, इट लीव्स अ रिमाइंडर। सो 12 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 248। तो इसी वजह से जो 12 है वो 248 का फैक्टर नहीं होगा। ऐसे ही यहाँ पर हमने एक और नंबर लिया है 4272। अब इसको अगर हम 12 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0। और अगर रिमाइंडर 0 आ गया, इट मींस इट लीव्स नो रिमाइंडर, तो उस केस में 12 इज़ अ फैक्टर ऑफ 4272। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स ये पता लगा सकते हैं कि कोई भी नंबर किसी दूसरे नंबर का फैक्टर है या नहीं है। फाइंड ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। अब आपको सभी फैक्टर्स निकालने हैं 24 के। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 12 इज इक्वल टू 24, 3 मल्टीप्लाइड बाई 8 इज इक्वल टू 24, 4 मल्टीप्लाइड बाई 6 इज इक्वल टू 24, 5 मल्टीप्लाइड बाई, हम इसकी मल्टीप्लाई किससे करें कि ये 24 के बराबर आ जाए, 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज इक्वल टू 24, 7 वाले केस में भी हम ये नहीं पता लगा पा रहे कि हम 7 की मल्टीप्लाई किस नंबर से करें कि 24 आ जाए, 8 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 24, 9 की हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए, ये भी हमें नहीं पता, 10 मल्टीप्लाइड बाई 24 आ जाए, हमें ये भी नहीं पता,
तो 11 वाले केस में भी हमें ये नहीं पता कि हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 24 आ जाए। 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज़ इक्वल टू 24। तो स्टूडेंट्स, जिन जिन केसेस में 24 आपको रिज़ल्ट में मिल रहा है, तो वो सभी क्या हो जाएंगे, इस 24 के फैक्टर्स हो जाएंगे। जैसे 1 तो फैक्टर होता ही है सभी नंबरों का, तो 1 आ जाएगा। 2 3 4 6 8 12 एंड 24, ये सभी क्या हैं, दे आर द ओनली फैक्टर्स ऑफ 24। ये 24 के फैक्टर्स हमने निकालने सीख लिए। इस तरीके से स्टूडेंट्स आप बाकी नंबर्स के भी सभी फैक्टर्स निकाल सकते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे प्राइम नंबर्स। ए नंबर लाइक 2, 3, 11 और 17 इज़ डिविजिबल बाई इट्सेल्फ एंड 1। कोई भी नंबर है स्टूडेंट्स, जैसे 2, 3, 11, 17, वो या तो 1 से डिविजिबल हो रहा है या फिर वो अपने आप से डिविजिबल हो रहा है, तो उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर्स। इन अदर वर्ड्स, दीज नंबर्स हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स। और शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो नंबर होते हैं, दे हैव एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स, इनके दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 या फिर वो जो नंबर होता है वो खुद क्या होता है, फैक्टर होता है अपने आप का। तो दे आर कॉल्ड प्राइम नंबर्स, उन नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर। तो यहाँ पर जैसे एग्जांपल मैं आपको लेकर के बताता हूँ, जैसे 17 है, तो 17 को कैसे लिखते हैं, 17 मल्टीप्लाइड बाई 1 इज इक्वल टू 17। तो 17 एंड 1 दे बोथ आर द फैक्टर्स ऑफ 17। तो इसमें मैंने यही बताया आपको डेफिनेशन में कि उसके एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, या तो 1 या फिर वो नंबर खुद, जैसे 17। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्राइम नंबर बोला जाता है। नोट, अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल ओनली बाई इट्सेल्फ एंड 1 इज़ कॉल्ड प्राइम नंबर। अब आप इस चीज़ को नोट कर लें स्टूडेंट्स कि कोई भी नंबर यदि वो 1 से डिविजिबल है और अपने आप से डिविजिबल है, तो वो क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। 2, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43 एंड 47 आर द फर्स्ट फ्यू प्राइम नंबर्स। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको प्राइम नंबर अच्छे से समझ में आए होंगे। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। ज़ीरो कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई इट्सेल्फ। ज़ीरो जो है वो अपने आप से डिविजिबल नहीं है। वी कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, हम ज़ीरो से कभी भी किसी भी नंबर को डिवाइड नहीं कर सकते हैं। एंड वन हैज़ ओनली वन फैक्टर, वन इट्सेल्फ, और वन का केवल एक ही फैक्टर होता है, जो कि क्या होता है, 1। सो ज़ीरो एंड 1 आर नॉट प्राइम नंबर्स। इसीलिए स्टूडेंट्स जो 0 है और 1 है, ये क्या, प्राइम नंबर्स नहीं होते। एक्सेप्ट 2, इवन नंबर्स आर नॉट प्राइम नंबर्स। यदि हम 2 को हटा दें या 2 की बात करें, तो 2 क्या है, 2 क्या है, इवन नंबर, और 2 क्या होता है, प्राइम नंबर भी होता है। तो 2 इज़ इवन नंबर एज वेल एज़ प्राइम नंबर बोथ। लेकिन अगर हम 2 को हटा दें और बाकी नंबर्स को लें, तो अगर कोई इवन नंबर लें, जैसे हम 4 ले लें, तो 4 क्या है, 4 इवन नंबर तो है लेकिन वो प्राइम नंबर नहीं है। तो 2 क्या हो गया स्टूडेंट्स, इस तरीके से 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर हमारा क्या हो गया, 2। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड एक्सेप्ट 2। यदि
दो को हम हटा दें तो सभी प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं ऑड। अब आ जाते हैं हम स्टूडेंट्स कंपोजिट नंबर्स पे। ए नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई अ नंबर अदर देन इट्सेल्फ एंड वन इज कॉल्ड अ कंपोजिट नंबर। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स? कंपोजिट नंबर्स अ नंबर दैट इज़ डिविजिबल बाई अ नंबर, किसी नंबर से वो क्या हो, पूरी तरीके से डिविजिबल हो, अदर देन इट्सेल्फ, अपने आप से लेकिन अलग होना चाहिए, एंड वन, किसी और से और वन से। तो ऐसे नंबर्स को क्या बोला जाता है? कंपोजिट नंबर बोला जाता है। जैसे 6 इज़ डिविजिबल बाई 1, 6, 2 एंड 3, तो 1 से भी डिविजिबल है और अदर देन इट्सेल्फ यानी 6 से तो है ही, तो 2 और 3 से भी डिविजिबल है। तो इस तरीके के नंबर्स जो होते हैं वो कंपोजिट नंबर्स होते हैं। 50 इज़ डिविजिबल बाई 1, 50, 2, 5, 10 एंड 25। सो 6 एंड 50 आर कंपोजिट नंबर्स। तो 6 और 50 क्या हो गए हमारे? कंपोजिट नंबर्स हो गए। एग्जांपल, कंपोजिट नंबर 12 कैन बी रिटन एज 4 मल्टीप्लाइड बाई 3। तो 4 एंड 3 आर डिफरेंट फ्रॉम 12। ऑल इवन नंबर्स अदर दैन 2 आर कंपोजिट नंबर्स। जितने भी इवन नंबर्स होते हैं अदर दैन 2, दे ऑल आर कंपोजिट नंबर्स। अब बात करेंगे व्हाट अबाउट 0 एंड 1। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन अराइज होता है कि 0 और 1 का जो केस है उसमें क्या होगा। तो व्हेन अ प्रोडक्ट ऑफ 0, ए फैक्टर मस्ट बी 0। अगर किसी भी कोई भी प्रोडक्ट है वो 0 आ रहा है तो उसमें जो फैक्टर है वो 0 होना चाहिए, या उसके अंदर कोई भी एक फैक्टर 0 होना चाहिए। ओके, एंड व्हेन 1 इज़ द प्रोडक्ट, अगर किसी कोई प्रोडक्ट हम करते हैं उसमें 1 आ रहा है, कोई भी प्रोडक्ट ऑफ काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स का हम कोई प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो उसमें जो फैक्टर होना चाहिए उस प्रोडक्ट के अंदर वो 1 होना चाहिए। तो 0 और 1 जो है वो हमारे कंपोजिट नंबर्स नहीं होते। नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर्स। अभी एक इम्पॉर्टेंट नोट है स्टूडेंट्स, स्पेशल नोट है कि नंबर्स दैट आर नॉट प्राइम नंबर्स, ऐसे नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते वो सभी क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर होते हैं, एक्सेप्ट 0 एंड 1, अगर 0 और 1 को हटा दें। सो एक्सेप्ट 0 एंड 1 ऑल नंबर्स आर आइदर प्राइम नंबर्स और कंपोजिट नंबर्स। 0 और 1 को अगर हम हटा दें इसलिए स्टूडेंट्स, तो सभी नंबर्स या तो वो प्राइम नंबर्स होते हैं या फिर कंपोजिट नंबर्स होते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स को प्राइम नंबर्स। टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स इफ़ द ओनली कॉमन फैक्टर्स दे हैव इज़ 1। दो नंबर तभी को प्राइम नंबर होंगे जब उनके अंदर जो कॉमन फैक्टर है वो क्या होगा? 1 होगा। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 18 और 35, तो 18 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? 1, 2, 3। ओके, और 35 के क्या क्या फैक्टर्स आएंगे? 1, 7, 5। तो इसके अंदर कॉमन फैक्टर क्या आ गया? 1। तो 18 और 35 हमारे कैसे नंबर्स होंगे? को प्राइम नंबर्स होंगे। सो दे हैव कॉमन फैक्टर अदर देन 1। सो 18 एंड 35 आर को प्राइम्स। चेक वेदर द फॉलोइंग नंबर्स आर को प्राइम। अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स और उसमें ये चेक करेंगे कि क्या ये नंबर्स को प्राइम हैं। जैसे
15 एंड 25, तो 15 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 3 एंड 5, 25 के क्या क्या फैक्टर्स हैं, 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। तो इसके अंदर कोई कॉमन फैक्टर 1 तो नहीं आ रहा, तो 15 और 25 जो है वो कोप्राइम नहीं है। एज 5 इज़ अ कॉमन फैक्टर, 5 क्या आ रहा है यहाँ पर स्टूडेंट्स, कॉमन फैक्टर आ रहा है अगर दोनों में देखें तो। लेकिन ये 1 से तो अलग है, तो इसका मतलब ये दोनों कोप्राइम नंबर्स नहीं हैं, 15 एंड 25। सिमिलरली अब हम बी पार्ट में चेक करते हैं, 49 एंड 250। 49 के जब हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे 7 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 1, और 250 के फैक्टर्स करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 1। तो यहाँ पर 49 और 250 के जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो अदर देन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो यहाँ पर 1 क्या है, कॉमन फैक्टर इन दोनों में। तो ये दोनों कैसे नंबर होंगे, कोप्राइम नंबर होंगे। सो दे आर कोप्राइम नंबर्स, 49 एंड 250 आर कोप्राइम। अब डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स प्राइम फैक्टराइजेशन के बारे में। तो प्राइम फैक्टराइजेशन को डिस्कस करने से पहले ये आपको लोगों को ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ फैक्टराइजेशन। राइटिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। तो फैक्टराइजेशन क्या होता है, जब हम किसी भी नंबर को लिखते हैं एज अ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में हम लिख देते हैं प्रोडक्ट ऑफ इट्स फैक्टर्स, उसके फैक्टर्स का प्रोडक्ट बना करके हम किसी नंबर को लिखते हैं, तब हम उसको क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन बोलते हैं। राइटिंग द नंबर एज अ प्रोडक्ट दैट आर प्राइम नंबर्स इज कॉल्ड प्राइम फैक्टराइजेशन। अब यदि उस नंबर के जो फैक्टर्स हैं वो कैसे हों, प्राइम नंबर्स हों, और जब हम उनको एज अ प्रोडक्ट लिख देते हैं देन इट इज़ कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। एग्जाम्पल मैं आपको लेकर के बताऊँगा तब आपको अच्छे से क्लियर होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन हमें किसका करना है, 24 का। तो 2 एंड 3 बोथ आर प्राइम, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या आएगा, 24। तो जब आप इस तरीके से प्रोडक्ट लिखते हैं प्राइम नंबर्स में, दैट इज़ कॉल्ड एज प्राइम फैक्टराइजेशन। और हम फैक्टराइजेशन को फैक्टर ट्री बना करके भी दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैं लेता हूँ आपके लिए, राइट द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 210। 210 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 105। और 105 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 35। और 35 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 7। तो ये सभी क्या हैं, प्राइम नंबर्स हैं। और इन प्राइम नंबर्स का जब हमने क्या कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, और किसी नंबर को हम शो कर रहे हैं प्रोडक्ट से ही, तो इसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। अब स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, अगला क्वेश्चन, 300 को हमें क्या करना है, फैक्टराइज करना है। तो 300 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 150। तो 150 आ जाएगा, 2 वन ज़ा 2, 2 फाइव ज़ा 10, 0। फिर हम दोबारा से इसे 2 से क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, 2 सेवन ज़ा 14, 2 फाइव ज़ा 10। फिर हम 3 से करेंगे, 3 टू ज़ा 6, 3 फाइव ज़ा 15, 25। फिर 5 से करेंगे तो 5 फाइव ज़ा 25। फिर 5 से करेंगे तो क्या आएगा, 1। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आएंगे, 2, 2, 3, 5, 5। फिर हम इसको जब हम एज अ प्रोडक्ट लिख देते हैं, इस नंबर को जब हम एज अ प्रोडक्ट लिख देते हैं और सभी नंबर्स कैसे हों, प्राइम नंबर्स, तो उसको क्या बोला जाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो 300 को फैक्टराइज करने के बाद हम कैसे लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5।
सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। 8 और 12 के हमें क्या निकालने हैं, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं। तो 8 को जब हम फैक्टराइज करेंगे तो फैक्टराइज करने के बाद कैसे लिखा जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये क्या होगा 8। ग्रुपिंग द फैक्टर्स, अब हम फैक्टर्स की क्या करेंगे, ग्रुपिंग। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 4, और 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 क्या हो जाएगा 8। तो फैक्टर्स ऑफ 8 क्या हो जाएंगे, 1, 2, 4 एंड 8। सिमिलरली 12 के हम क्या करेंगे, फैक्टर्स करेंगे। तो क्या कैसे करोगे, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये क्या हो जाएगा 12। अब इनके ग्रुपिंग कर देंगे, तो यहाँ ग्रुपिंग करने के बाद क्या आएगा, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 12, और 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 6। तो फैक्टर्स क्या होंगे 12 के, 1, 2, 3, 4, 6 एंड 12। तो कॉमन फैक्टर्स हमें निकालने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या होंगे 8 एंड 12 के, 2 एंड 4 जो कि 1 से अलग हैं। ओके, तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको ये सारे कॉन्सेप्ट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आई विल टेल यू देयर। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू।